हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेराज स्किन केयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कोई ब्यूटी होम रेमेडी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ, मैं देख रही थी काफी टाइम से वीडियो जे सुपर कोर और प्रिया दीप के बारे में। जे सुपर कोर, आई एम बिग फैन ऑफ यू। आपसे, आप कह लो कि आपसे इंस्पायर होके ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, क्योंकि मुझे आपकी होम रेमेडीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बट मुझे एक चीज आपकी अच्छी नहीं लगी कि आपने जो प्रिया दीप के बारे में ये बोला है, आपने उसका जो आपके सब्सक्राइबर ने आपकी तारीफ करने के बाद जो बैड कमेंट किया है, आपने वो टैग कर दिया है प्रिया दीप को, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। हर यूट्यूबर क्या होता है कि अपने दम पे आगे बढ़ता है, अगर वो आगे बढ़ रही है इस चीज के लिए, तो आपको उस सब्सक्राइब को ये कहना चाहिए था कि जी ठीक है, आप मेरी तारीफ कर सकते हो, मेरे लिए अच्छा अच्छा बोल सकते हो, बट किसी और यूट्यूबर के लिए आप ये चीज मत बोलिए, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं लगती। उसके अलावा आपने उसको टैग भी कर दिया, जो हम यूट्यूबर्स को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लास्ट ईयर भी आपकी किसी से फाइट हुई थी, सुपर स्टाइल टिप्स जो यूट्यूब चैनल है उनके साथ। मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि कितने वेले हो आप, मतलब कि हर किसी से पंगा लेने के लिए आप रेडी रहते हो। अगर किसी ने आपको बैड कमेंट कर दिया तो आपको वो टैग करने की जरूरत क्या थी? क्या आप ये हाईलाइट करके अपने सब्सक्राइबर्स कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। उस सब्सक्राइबर ने अगर ये लिख भी दिया था कि प्रिया दीप का स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको उसको मना कर देना चाहिए था इस चीज के लिए। ये नहीं कि हाईलाइट कर देना चाहिए था या टैग कर देना चाहिए था। ये चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगी, अफकोर्स की बाकी यूट्यूबर्स को भी अच्छी नहीं लगी होगी, इसीलिए उन्होंने ये वीडियोस बनाई है। सो मैं भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी, मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो जे सुपर कोर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज ऐसे काम मत करो जिससे दूसरे यूट्यूबर्स को भी अच्छा फील ना हो, और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आपको ऐसी चीजें देख के आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएं और दूसरे चैनल्स पे चले जाएं। कि हर यूट्यूबर अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसमें कैपेबिलिटी होती है तो वो यूट्यूब पे आता है, उसमें अपना जो टैलेंट होता है वो लेकर आता है। जे सुपर कोर, प्लीज ऐसे बैड कमेंट करना बंद कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे और किसी को नुकसान हो। सो जे सुपर कोर, आप इतना बड़ा आपका यूट्यूब चैनल है, इतने सारे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपको दूसरों को टैग करके, दूसरों को पिन करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे आपके ही सब्सक्राइबर्स कम होंगे। जो लोग आपसे प्यार करते थे, जो आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे ऐसे हटते देखे थोड़ा सा पीछे हटते जाएंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है जे सुपर कोर के लिए, सो प्लीज ऐसी चीजें करना बंद करिए, बैड कमेंट चेक करना या किसी के साथ फाइट करना बंद करिए। ये चीजें आपको शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी यूट्यूबर्स हैं, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके कम सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप इनकरेज करिए कि वो कुछ अच्छा और कर सके। सो मेरी हाथ जोड़ के विनती है जे सुपर कोर को कि जे सुपर कोर फाइट करना बंद कीजिए, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप अपने सब्सक्राइबर कम मत करवाइए फाइट करके। प्लीज बैड कमेंट करना और टैग करना ये चीज बंद कर दीजिए।